कैबिनेट के फैसले 3530 10 प्लस 2 स्कूल के बनेंगे नए भवन। समग्र शिक्षा अभियान से जुड़े शिक्षकों के वेतन के लिए राशि विमुक्त। व्यवसायी की हत्या के विरोध में 25 को मुजफ्फरपुर बंद। व्यवसायियों ने पुलिस को 3 दिन का दिया अल्टीमेटम, आज से काला बिल्ला लगाकर करेंगे काम। मुजफ्फरपुर में 15 दिनों तक बाधित रहेगी बिजली। सिकंदरपुर पीसीएस में 33,000 तार केवीए बदलने का चल रहा काम, हर दिन 3 घंटे तक कटेगी बिजली। सीएम की यात्रा से पहले प्रशासन की एक्सरसाइज। समाज सुधार अभियान की सफलता के लिए अधिकारियों के अफसरों की जवाबदेही तय। मुजफ्फरपुर में शार्प शूटर ने की थी व्यवसायी की हत्या। गोली मारने के स्टाइल से पुलिस को मिला सुराग। चाय दुकान पर जुटे थे 6 अपराधी। 23 फरवरी से शिक्षक अभ्यर्थियों में बांटे जाएंगे नियुक्ति पत्र। पटना में चयनित 1213 अभ्यर्थियों को मिलेगा ज्वाइनिंग लेटर। एनआईसी की वेबसाइट पर देखें अपना नाम। भोजपुर में एयरबैग ने बचाई 6 की जान। 90 किलोमीटर प्रति घंटे थी कार की स्पीड, अचानक पलट गई। शोभित डुमरी गांव के पास हादसा, एक की हालत गंभीर। 24 और 25 फरवरी को बिहार में होगी बारिश। पश्चिमी हवा की दिशा बदलने से मौसम में होगा 2 दिनों का बदलाव। परिवहन मंत्री के एस्कॉर्ट वाहन को ट्रक ने मारी ठोकर। शेखपुरा में बीएमएस के 5 जवान घायल, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। जहानाबाद में बाइक सवार युवक हुआ घायल, बाजार जाने के दौरान हुआ हादसा, बिजली के पोल में मारी टक्कर। रोहतास में 5 दिन बाद मिले नए कोरोना पॉजिटिव। 24 घंटे में 4812 लोगों की हुई जांच, 3 मरीज हुए स्वस्थ, एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 3। फागुन में रंग बदल रहा मौसम। दिन के तापमान में 0.5 डिग्री की बढ़ोतरी तो रात का पारा 3.1 डिग्री घटा। आप भी गंगा महाआरती में हो सकते हैं शामिल। पटना में कोरोना प्रोटोकॉल में हर शनिवार और रविवार को गांधी घाट पर होगी महाआरती। राजधानी में अपराधियों का दुस्साहस। एग्जीबिशन रोड फ्लाई ओवर में बैंक के अकाउंटेंट से कट्टा दिखा लूटी बाइक, 2 राउंड गोली भी चलाई। पूर्णिया में गड्ढे में पलटी अनियंत्रित कार। शादी में शामिल होने गए थे, वापस आने के दौरान हुआ हादसा, 4 घायल।